जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। 2024 में बस लोन पर कैसे लें। नमस्कार, हम अवधेश साहू आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज के शानदार वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में बस लोन पर कैसे लें। बस लोन पर लेकर बिजनेस शुरुआत करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंटों दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है, आखिर बस लोन पर लेने के लिए हमें किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, और एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है कि क्या हम बस लोन पर लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, आखिर कितना डाउन पेमेंट करना होगा। बस बिजनेस लोन पर लेने से संबंधित लगभग सारे महत्वपूर्ण सवालों को हम विस्तार से आज की शानदार वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या लोन लेकर बस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको कहूंगा कि जी हाँ, आप बस फाइनेंस में कराकर लोन लेकर बस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं वो अपना पैसा कम लोन लेकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और तेज़ी से आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, आपको मैं कहूँगा कि हमारी सलाह है कि आप लोन लेकर भी बस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए हाँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करें और पूरे फोकस के साथ एक सही रूट का निर्धारण करें और लगातार रिसर्च करते रहिए और एक बेहतर रूट का निर्धारण करके अपना बस वहाँ पर रन कराएं, तो आप यहाँ पर जल्दी सफल हो सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे बस लोन पर कैसे लें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का बस लेना चाहते हैं, चेचिस लेना चाहते हैं, बॉडी लेना चाहते हैं, संबंधित शोरूम में आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद आपको बस का चुनाव करना होगा, और यहीं पर एक सबसे बड़ी सवाल आपके सामने उभर कर आता है कि आप कंपनी द्वारा बनी बनाई हुई बस लेना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा सिर्फ चेचिस और बॉडी, आप कहीं दूसरी जगह से बॉडी बिल्डिंग कराएंगे, आप चेचिस और खाली इंजन ले रहे हैं। तो यहीं पर आपको तय करना होगा। तय करने के बाद आपको, यदि आप तय करते हैं कि हम कंपनी द्वारा बनी बनाई हुई बस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको एक कोटेशन तैयार करवाना होगा। कोटेशन यानी होता है कि एस्टिमेट प्राइस, कि इतनी आपको यहाँ पर कीमत लगने वाली है, प्राइस होने वाली है। और यदि अगर आप जो है सिर्फ इंजन और चेचिस ले लेते हैं कंपनी से, और बाकी जो है बॉडी बिल्डिंग कंपनी से बनवाते हैं या गैरेज वगैरह से बनवाते हैं, तो ऐसे में होता क्या है यहाँ पर कि आपको दो जगह से एस्टिमेट यानी कि कोटेशन तैयार करवाना होगा। पहला कोटेशन आपका जो है शोरूम से करवाना होगा, और दूसरा कोटेशन बॉडी बिल्डर जो कि बॉडी तैयार करवाएगा, वहाँ से आपको दो कोटेशन तैयार करना होगा। इसके बाद ही आगे का लोन का प्रोसेस बढ़ेगा। देखिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि लोन कहाँ पर मिलेगा। देखिए, एक सवाल सबसे बड़ी निकल कर आती है कि लोन लेने वाले तो बहुत हैं, पर देने वाला कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लगातार बिजनेस से रिलेटेड सब्सिडी वाली स्कीम्स जो है, बिजनेस लोन स्कीम्स लगातार निकलते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तथा प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक, इनसे भी आप लोन ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ से अगर आपको स्पेशली सलाह दूँ ईमानदारी के साथ, तो आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकारी बैंक से आप लोन लेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा और कम ब्याज दर पे आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो डाउन पेमेंट करते हैं उसके बाद जो बचती है राशि, उसे आप प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक किसी भी बैंक से फाइनेंस कराकर बाकी EMI के थ्रू महीने दर महीने पटा सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंटों दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोन लेने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम प्रूफ का स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चेकबुक, पासबुक, इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा यदि जो है लोन लेने वाला व्यक्ति कहीं जॉब करते हैं, तो यहाँ पर सैलरी स्लिप, और जॉब नहीं करते हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापारी के लिए ITR भरने का स्लिप, न जॉब करते हैं न व्यापारी हैं तो एक ऑप्शन है, यहाँ पर उनके पास ज़मीन है तो ज़मीन बंदी की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन लेने के प्रोसेस में, तो आप यदि कहीं अदर जगह लोन लिए हुए हैं तो उस लोन का पटा हुआ ज़रूरी है, वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा। यदि आपका लोन नहीं चुकाया गया है तो वहाँ पर लोन का जो है स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पर जमा करने होंगे कि आप लोन जो है किस हिसाब से EMI का चुका रहे हैं, कोई आपका बाउंस तो नहीं हो रहा है लोन EMI, तो ऐसे पर यहाँ पर आपको लोन स्टेटमेंट
जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए गारंटर होता क्या है, मैं आपको बता दूं। तो गारंटर होता है कि आपकी गारंटी लेता है कि अगर ये कहीं भाग जाता है या तो नहीं चुका पाता है लोन, तो मैं चुका दूंगा या मैं इसका जवाबदारी लेता हूं। तो आपको एक गारंटर ढूंढने होंगे, जिसकी आपको गारंटर का डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए बस लोन पर लेने के सारे प्रोसेस को समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि हमें एक डाउन पेमेंट कितना करना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोटेशन तैयार होता है, कोटेशन एस्टीमेट प्राइस होता है। तो उस कोटेशन में एस्टीमेट प्राइस जो होती है उसके लगभग 20-25% आपको शुरुआत में डाउन पेमेंट करने होंगे। मान लेते हैं कि आपकी बस जो है 40 लाख रुपए पड़ रही है ऑन रोड प्राइस, तो यहाँ पर आपको लगभग 8-10 लाख रुपए शुरुआत में डाउन पेमेंट करने होंगे। बाकी के जो बचते हैं लगभग 80-85% वो सब ईएमआई के थ्रू महीने दर महीने पटा पाएंगे। देखिए लोन लेने की लगभग सारी गतिविधियों को हमने विस्तार से समझा। आज का यह शानदार वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, तथा अगला वीडियो आप क्या देखना पसंद करेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तथा अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।